वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोचर का सीधा संबंध 9 ग्रह और 12 राशियों से होता है। गोचर का अर्थ है ग्रहों की चाल। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को गोचर कहते हैं। ग्रहों के गोचर का व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ग्रह एक निश्चित अवधि में अपना राशि बदलते हैं। सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की अवधि अलग अलग होती है। ज्योतिष गणना के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध 22 अगस्त यानी कि भाद्रपद की शुरुआत में कर्क राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से राशि चक्र की सभी राशियों पर भाव अनुसार प्रभाव पड़ेगा। जहां कुछ राशि के जातक को लाभ मिलेगा तो कुछ राशियों को नुकसान होगा, लेकिन 3 राशि के जातक पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहेगी। इसके साथ ही कई वर्ष बाद ज्योतिष गणना के अनुसार इसी दिन कजरी तीज का व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन अद्भुत संयोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशि के जातक पर देखने को मिलेगा, लेकिन 3 राशि के जातक की किस्मत बदल सकती है, जिसमें तुला, मकर और मिथुन राशि के जातक शामिल हैं।